आज बन रहा है लिट्टी चोखा, ये देखो उसकी सारी तैयारियां हो गई है यहाँ पे। हे अभी तूने सुना ना, पापा बोले रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। तुझे तो नहीं दिखाने ले जा रहे ना ही रहा जो ना ही चाय वाय पिए। पापा रिश्तेदार के घर गए ना, अंदर गए ना पानी पिया, ये सब क्या चल रहा है फैमिली में। ए चलो उठो, उठ गए क्या? उठ गए पापा। बाहर देखो कितना हिल स्टेशन के जैसे माहौल हो गया, और तुम यहाँ पे सोते पड़े वाले हैं यहाँ पे। ये देखो ये उठो। हम सोते नहीं पड़े वाले, हम अभी आ ही रहे थे बाहर। चलो बाहर चलते। अरे टोपी दो मेरे को, बहुत ठंड है बाहर, भागो। माय गॉड, आज है ना बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। देखो ना पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, इधर देख रहे हो आप पीछे। इतने दिनों से इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा ठंड है। चलो इधर आओ, इधर आओ। काका जलाए नहीं का इसको? काका वो राख में सेकत है। का सेकत बा काका ही? अरे बाप रे, इधर की साइड तो हमारा खेत ही नहीं दिख रहा है। ये देखो इतना कोहरा पड़ा हुआ है कि खेत दिखाई भी नहीं दे रहा। लकड़ी ले आवा। लकड़ी ले आए? ये रही यहाँ पे लकड़ी, मस्त आग में सेकेंगे, इसको जला देते हैं पहले। ये लो काका लकड़ी, इसको जलाओ। जलाई? हाँ। कितनी ठंड है, देख रहे हो ना कितना कोहरा पड़ा हुआ है। आपको अच्छा लग रहा है इतनी ठंड में? आ गए हम टोपी पहन के, कितनी मस्त टोपी है ना मेरी। देखो आग भी लग गई मैं आने तक। ये लो बैठा। वाह, ये देखो इसमें आलू भूजे हुए। काका ने तेरे आलू भूजे, देखा? हाँ। अबे हमने ब्रश भी नहीं किया। अरे खा लियो, वो ये खा लियो बिना ब्रश का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गंजी मतलब वो आलू का भाई रताड़ा, उसको अच्छा गंजी बोलते। स्वीट पोटैटो? अच्छा ठीक है। हाँ स्वीट पोटैटो अच्छा लगता है इसमें। ऐसे देखो ऐसे डाला है काका ने, इसको क्या बोलते है पापा? आलू उसमें भूज दिया ना, तभी उसको डायरेक्ट खाने का, ऐसे चटनी लगाने के खाने का। हाँ तो ऐसे ही स्वीट पोटैटो भी डालते हैं इसके। हाँ। अंदर बैंगन भी डालते हैं। हाँ। कितना आलस आ रहा है ना पापा, ब्रश कर। आलस वालस नहीं आ रहा, आलस सिर्फ तुमको आ रहा, ठीक है? जा लेके आ ब्रश, लेके आ ब्रश करेंगे। हैंडपंप का पानी गर्म है। हाँ, वो तो एक बढ़िया बात है कि हैंडपंप से है ना गर्म पानी आ रहा है, नहीं तो मैं ब्रश भी ना करती, इतनी ठंडी है यार। आप सबको क्या बताऊँ मैं। ये दो ग्लास दूध पीने का? अभी दो ग्लास नहीं पापा, एक ग्लास ठीक है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये दूध देखने में। चल ले पी। आप एक ग्लास पियो। हाँ चल तू पहले एक, तू देखेंगे कौन फास्ट पीता। 1 2 3 हाँ, मजा आ गया। कम दूध था पापा? अरे भरे वाला था ना, दोनों एक जैसे थे ना। पी लिया दूध हुआ और चटनी लिया था। जा। ये लो चटनी, कैसे बनाओगे पापा दिखाओ। अरे देख ये आ गया आलू। अब इसको क्या करने का? छीलने का। हाँ ये कैसे छील ले ऐसा? ये देख। हाँ। ये ऐसे लेने का ऐसे। हाँ। बोल जल्दी उको। ये ऐसे चटनी भर देने की, और आलू नहीं भी छीले तो भी चलेगा। अच्छा लग रहा है। छिलके के साथ खा लेना। ऐसे शहर में मिलता क्या ये? ऐसे अंगार इसी में बन रहे आलू, इसी में सेकने का और ऐसे बैठ के आलू खाने का? नहीं शहर में ऐसे कुछ नहीं मिलता। खा लो। कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा। कौन कौन ऐसे गांव में ना आलू ऐसे भूज के खाते हैं बताओ। तो देखो आज हमारे घर में ना एकदम देसी खाना बन रहा है। आज क्या बन रहा है बताओ मैं आप सबको। आज बन रहा है लिट्टी चोखा, ये देखो उसकी सारी तैयारियां हो गई है यहाँ पे। इसमें अभी बैंगन वगैरह डालेंगे और इसको अच्छे से भूज लेंगे, है ना पप्पा? देखो यहाँ पे लिट्टी चोखा कैसे बन गए, कैसे बनाते हैं भाभी? ऐसे बनाओ ये। ऐसे ऐसे बनाना है इसको। हाँ। देखो ऐसे गोल 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 बनाना है इसको। लिट्टी है ना? हाँ। ये लिट्टी है, देखो इसको ऐसे गोल करना है हमको। देख भाभी देख कैसे कर रही है, वैसे करो। हाँ भाभी एकदम परफेक्ट गोल कर रही है इसको। हम अभी नए है ना। और बताओ लिट्टी चोखा किस किस ने खाया है? मैं तो फर्स्ट टाइम लिट्टी चोखा खा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सीखने आया मैं यहाँ पे। देखो पापा हम भी ऐसे लिट्टी चोखा बना रहे हैं। बनाओ ना, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। मैं कब यहाँ लिट्टी चोखा कब खाया? देखो सबसे पहले आग में ना हम बैंगन डालेंगे, यहाँ से डाल दो। फिर उसके बाद में हमने जो ये लिट्टी बनाई हुई है ना ये भी डालेंगे आग में। आलू और टमाटर भी डालते हैं, मैंने रेसिपी में देखा है। तब से मेरा मन था कि हम लिट्टी चोखा बनाएंगे और लिट्टी चोखा खाएंगे। क्या बोल रहे हो पापा?
अरे आज अभी दिन नहीं निकलता, मतलब धूप नहीं आई आज? धूप नहीं आती आज, दिन भर बस ऐसे सेकते रहो, यहाँ सेको वहाँ सेको, बस सेकते रहो सब तरफ। बाप रे, मुझे लगा आ जाएगी धूप थोड़ी देर में, मैंने सोचा था मस्त धूप में बैठूंगी मैं। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ठंड है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ये देखो मम्मी यहाँ पे मस्त सेक रही है। चलो अभी इसमें ना हमें इसको है ना हमें अभी आग में डालना है ना। रुको, पहले ये जो बैंगन डाले थे ना ये अभी हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ये भौरी लिट्टी चोखा जो भी बोलते हैं ये डालेंगे। डालो। वाओ, देखो ना कितना मस्त बन रहा है ना। जिसने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है मेरे वीडियो में बताना कमेंट में कि आपने ऐसे कुछ फर्स्ट टाइम देखा है। अयोध्या में अवध में इसको है ना भौरी बोलते हैं। आप कौन सी सिटी से और आपकी सिटी में इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, ठीक है? देखो जो पहले रखी है ना हमने भौरी, उसको तुरंत पलटी मारना है, ये पक गया है देखो एक साइड से। तो यहाँ पे भौरी बन रही है ना, तब तक देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। का मीटिंग चल रही है आप सबकी? हाँ, ग्रुप चैट चालू है इधर। ग्रुप चैट चालू है, देखो इधर। देखो मैं वहाँ से सेकते सेकते यहाँ पे आई, यहाँ पे भी मस्त सब लोग सेक रहे हैं। पापा आए थे यहाँ पे देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं और वापस चले गए, फोटो क्लिक कर रहे हैं हम। रुको जरा, क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा, काका को है ना पहले ना फनी रील्स दिखाएंगे। हाँ। हाँ। और फिर काका की रिएक्शन देखेगा, काका बहुत मस्त रिएक्ट करेंगे। चलो हम है ना काका को पुनीत सुपरस्टार के रील्स दिखाते हैं और काका के रिएक्शन देखते हैं, काका क्या बोलते हैं वो भी सुनेंगे। चलो, मुझे पता है काका बहुत बहुत अच्छा ये करेंगे, रिएक्शन देंगे। देखो ये लिट्टी को कैसे पूरे आग में डाल के रखा है, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। फिर काका ये देखो ये काव का रकबा दिखा, ये दिखाएंगे काका। कोई ऐसे गटर में कूद रहे हैं या कुछ भी वीडियोस बना रहे होते हैं तो लोग उनको गालियां देते हैं, बट काका से सुनो क्या वो हेट के लायक होते हैं? उनके गटर में कूदने से आपकी लाइफ में क्या बिगड़ गया? ठीक भाई, अपन कलाकारी कर तब नाचत गावत भाई, केन केन कर दवा। देखो ये लिट्टी को कैसे ही आग में ऐसे दबा के रखा है, इसको पूरा आधा घंटा हमने ऐसे ही दबा के रखा, अभी टाइम है इसको बाहर निकालने का। धूल उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा बोल रहे हैं भाभी, धीरे से निकालना है इसको। ठीक बात, निकाल रहे हैं हम अभी इसको इसमें से। ये रही हमारी लिट्टी, दिखा आई गर्म है। ऐसे 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 करके उसको निकालना, फिर ना हाथ को ऐसे लगेगा नहीं, ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 कर उसको, ऐसे ऐसे हाँ, पूरी धूल निकाल देना उसकी, वो मिट्टी निकाल देना। वाव, सीख गए हम। हाँ। भाभी देखो ऐसे निकालना होता है उसको। मोय 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 मोय। हाँ, अगर हमारी मदद करने के लिए ऐसे तुरंत नहीं निकालते सारे, नहीं तो अभी अपन पहले उतना खा लेंगे ना, नहीं तो ठंडा हो ही जाए ना वो। इसको वापस ऐसे दबा के रखेंगे, जल जाए, जल जाएगा क्या? नहीं, अब जलेगा नहीं। हाँ, तो गरम रहे। वाओ, ये रही हमारी लिट्टी चोखा। चला खटिया पकड़ा, एकदम देशी स्टाइल में बाहर बैठ के खाना खाया जाए। ठीक बापा, चला ले ले भाई अंदर। ठीक बाप, हाँ। आज लिट्टी चोखा बनी है ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज की खुशी बहुत खुशी है हमको। चावल और ना ले भैया, पापा इसको कैसे खाते हैं? बड़ी माँ को पूछ, पापा भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। उसको फोड़ के बच्चे, उसको फोड़ के आते। थोड़ा थोड़ा करके बहुत टेस्टी है। पहली बार लिट्टी चोखा खा रही हूँ और मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगा है ये लिट्टी चोखा। ना तेल है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आ गई मैं।
बैठ गई सबसे पीछे। अभी पापा बताएंगे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, अभी तो कुछ बताया नहीं है पापा ने, और मैं सबसे पीछे आके बैठी हूँ। हाँ ही, और हमारे साथ है ना काका भी चल रहे, शायद हम कहीं है ना घूमने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम सबसे पीछे आके बैठे ताकि काका सब लोग सामने बैठ सके। बताओ पापा कहाँ जा रहे हैं हम? चुपचाप बैठे रहो पीछे अभी। ऐसे करते हैं पापा। हे अभी तूने सुना ना पापा बोले रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं? कई सोनल दी तेरे लिए लड़का देखने तो नहीं जा रहे हम? मेरे लिए नहीं तेरे लिए। तुझे तो नहीं दिखाने ले जा रहे? मत कर यार मेरे को डरा मत। अब मेरे को लगा पहले कि हम कहीं घूमने जा रहे, लेकिन मैंने बाहर सुना ना कि रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हम सारे, तो फिर मुझे लग रहा है सोनल दी के लिए लड़का देखने जा रहे। तेरे लिए नहीं दिखू, तेरे लिए। मम्मी को पहले ही बोल दूंगी मेरे को नहीं जाना है। ओए सुनो मेरी बात, सब लोग रेडी हो रहे हैं बाहर। सच में तो नहीं लेके जा रहे मेरे को? सच में लेके जा रहे, मुझे बताया दीदी ने। ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मी ने मेरे को क्यों नहीं बताया? तो अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि गांव में ऐसे ही मीठा मीठा बोल के रिश्तेदारी में जाते हैं, पान सुपारी खा के रिश्ता पक्का कर लेते हैं। काका भी चल रहे, काका एकदम मस्त तैयार होके आ गए। काका हैंडसम बॉय बन के आए वाले। काका एकदम हैंडसम लागत बा। काका इधर देखो, देखो बड़ी माँ भी आ गई। बैठो। और मम्मी सामने बैठ गई। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे रिश्तेदार के यहाँ। तू मेरे को चुप बैठ। लेकिन मेरे को भी सच में डर लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं हम? यार मेरे को ना अभी धक धक हो रहा है, मैं उतर जाऊँ क्या गाड़ी से? घर पर ही रुकती हूँ ना पापा। मेरा कुछ काम नहीं होगा तो मैं घर पर ही रुकती हूँ ना। नहीं चल तू भी। अब पता नहीं क्या होने वाला है। फिर मैंने सुना कि कुछ अनबन चल रही है जॉइंट फैमिली में, चलो जाके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम है ना काका की जो छोटी बहन है ना उनके घर पर जा रहे। काका कहाँ जावत बताई दियो? अभी चलो भी आगे। चलो अभी आगे। ये देखो आ गए हम काका के बहन के घर। ये देखो भैंस हमारी स्वागत कर रही है। पापा रुको ना। चल आजा, नहीं पापा रुको। ये देखो मीठा खाओ, पानी पियो और चाय पियो। पापा ने भी सेम किया। बस इतने में ही चल दिए। ये बात कुछ समझ नहीं आई, आखिर चल क्या रहा है? ये देखो ये किचन कितना क्यूट है। ये देखो यहाँ पे भैंस का बछड़ा है, कितना क्यूट बैठा है। देखो उसको स्वेटर वगैरह भी पहना दिया है। हाय, उसकी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। नो पापा, ये हम कहाँ जावत बा? बुआ उधर खेत में रह रहे। बुआ खेत में ही? बा बुआ से खेत में मिलेंगे हम। काका बुआ कहाँ बा? वहाँ पे खेत में। तो बुआ यही रहत बा? हम का बन घर बन बा। तो घरे नहीं जात बा, खेत में ही रहत बा बुआ। अच्छा काहे काहे नहीं जात? हाँ घरे काहे नहीं जात काका? अरे घरे का करे जा, घरे का करे तो खेत में रही है खाली। मतलब काका बोल रहे कि यहाँ पे खेत में घर बना लिया है बुआ ने, यहीं पे रहती है बुआ, है ना पापा? काका कौन सा घर, ये वाला? हमारी बुआ ने बना लिया है खेतों में बहुत ही प्यारा सा घर, देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लगा फार्म हाउस? कितना मस्त फार्म हाउस है, देखो यहाँ पे घर है और यहाँ पे सामने ही खेत है। काका और बुआ मस्त बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे वहाँ पे बैठ के, इसलिए हम आ गए यहाँ पे खेत घूमने के लिए। मस्त, कितना मस्त है, एकदम फार्म हाउस वहाँ पे उनका घर है, यहाँ से पूरा खेत ही खेत है। चलो बड़ी माँ बाय, हम जा रहे हैं, आएंगे हम वापस। ये देखो यहाँ पे है ना कुआं भी है, गिरना है किसी को?
हेटर्स को गिरा देंगे यहाँ से, डूब के मर जाओ। देखो यहाँ पे ना पप्पा का नाम है सूरज यादव, ये पप्पा का घर हुए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी बुआ के घर पर, यानी कि काका के दीदी के घर पर। पहले जैसे अभी सभी रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं होती, पहले सब एक दूसरे के घर आते थे, मिलते थे, अब वो सब कम सा हो गया है। ऐसे लगता है जैसे परिवार छोटा छोटा होते जा रहा है। बुआ के घर पर पहुंच गया और मैं पता है क्या देख रही हूँ कि पप्पा बाहर ही खड़े, पप्पा है ना बड़ी वाली बुआ के घर में नहीं जा रहे और ना मम्मी को नहीं जाने दे रहे, सबके सब बाहर ही खड़े हैं। ऐसा क्यों, बाहर क्यों खड़े हैं ये लोग? चलो चल के पूछते हैं पप्पा से। ये देखो पापा बाहर ही खड़े हैं घर के, अंदर क्यों नहीं जा रहे पप्पा? पर ये देखो मम्मी भी बाहर ही खड़ी है, मम्मी भी अंदर नहीं जा रही, मतलब जा रही थी लेकिन पापा ने रोक दिया। ये लोग क्यों ऐसे बाहर खड़े हैं? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सबके सब बाहर ही खड़े, कोई घर के अंदर नहीं जा रहा। कहाँ पे बुआ? बुआ हाँ चलो। बुआ कैसन बा? हाँ बच्ची पहचाने की नहीं पहचान? मैंने नहीं पहचाना था ना। हम हाँ, इनकी बिटिया हुए हैं। पहचान ए बुआ चलो बुआ घर, अपने घर चला। चलो अपने घर, मायके चलो, मायके चला। हाँ ले पापा जरा इधर आओ। क्या हो गया, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे घर में? अंदर नहीं जाने का, बुआ को बाहर के बाहर ही लेके चलने का। क्यों? ऐसे मम्मी को भी नहीं जाने दे रहे आप अंदर? तेरे को क्या करने का है? नहीं मैंने नोटिस किया इसलिए मैं पूछ रही हूं। तुझे नहीं नोटिस किया, खेत देख वो नोटिस कर, वो देखो चांद तारे गन्ना बिन्ना वो सब नोटिस करने का, ये सब नोटिस नहीं करने का। देखो यहाँ पे ना बेर का पेड़ है, ये देखो ये कितने सारे बेर लगे हुए हैं इसको। हाँ ये देखो यहाँ पे कितने सारे बेर है, ये देख रहे हो कच्चे है ये अभी, लेकिन ठीक है मैंने पहले ही खा लिए। देखो ये सब लोग बाहर ही खड़े हैं, वो देखो रे काका बड़ी माँ पप्पा मम्मी सब बाहर ही खड़े हैं। अरे गांव के बेर बहुत टेस्टी लगते हैं। पप्पा आप भी खाओ एक बेर, खा के देखो कैसा लागत बा। मम्मी को ही मीठा लग रहा है वो, सच में मैं भी यही बोलू मम्मी को ही मीठा लग रहा है। हंस खाए जैसा लग रहा हो। अभी कच्चा है ना वो, मेरे को बहुत पसंद है बेर। चाय वाय ना ही पी क्या ही चाय वाय, चला चाय वाय ना बना ना ही रहा रहा दो ना ही चाय वाय पिए। हाँ बैठा चला ला बुला बुला बुआ के। क्या हुआ फिर से क्या हुआ? वो बोल रहे हैं आपकी शादी हुई क्या? नहीं किसकी, आपकी? मेरी। पापा क्या चल रहा है? तीन लड़का है, अभी बच्ची हुई और बेटी छोटे छोटे बेटे हुए। पहले लगा पापा को ही पूछ रहे कि पापा की शादी हुई है कि नहीं, मैं तो खुश हो गया था। देखो आ गई बुआ, बैठ जाओ बुआ। पापा अपनी बड़ी बुआ के घर गए और उनको अपने घर लेके चल दिए, बाकी फैमिली से नहीं मिले, पता नहीं क्यों। बट चलो ठीक है, यही उम्मीद करते कि आगे जल्दी जल्दी सब ठीक ठाक होने लगेगा। छोटी सी लाइफ है, सबसे मिलते रहना चाहिए। क्या आपके रिश्तेदारों में भी ऐसे सब कुछ चलते रहता है क्या? तो बताओ मुझे कॉमेंट्स में। आई गए हैं हम घर पर, अभी है ना लाइट नहीं है, देखो यहाँ पे सब लोग बैठे और सेक रहे और चाय भी पी रहे हैं। चार्स चार्स मम्मी चार्स। और देखो आज काका भी चाय पी रहे, कितने दिनों के बाद आ रही। ऐसे कौन चाय पीता है? अरे वो आँख में जा रहा है ना वो धूर जो भी बोलते हैं, जल रही है मेरी आँख। हाँ धुआं पूरा आँख में जा रहा है देखो, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अब कल चलते हैं अयोध्या, बड़ा मजा आएगा। और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना।